बताने जा रही हूँ नींबू का अचार। नींबू का अचार के लिए जो सामग्री लगती है वो है 1 किलो नींबू लिया है, अभी इसे काट लेते हैं। आपको जिस तरह से पीस करना है आप उसी तरह से कर सकते हो, इस तरह से। पतले छिलके वाला नींबू लेना है और रसदार होता है वो, उससे अचार बहुत बढ़िया बनता है। हमने अच्छी तरह से इसे काट लिए हैं, छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अभी इसमें नमक डालते हैं। आधा से ऊपर बाउल तक हमने नमक डाला है, उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हिलाने के बाद इसे 7-8 दिन तक उसको रखना है नमक के इसमें। जब ये छिलका नरम हो जाए तब हम उसका अचार बनाएंगे। अभी उसे 7-8 दिन के लिए ढक के रखते हैं। रोज उसको 1 दिन में हिलाना है ताकि वो नींबू का रस और नमक अच्छी तरह से सेट हो जाए। फ्रेंड्स, हमारा 8 दिन हो गए हैं, नींबू अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये इस तरह से कवर में एकदम सॉफ्ट हो गया है। 8 दिन उसे लगते हैं। अभी इसमें डाल देंगे बड़े बर्तन में। अभी 1 किलो नींबू में 1 किलो मैंने शक्कर ली है, पर शक्कर एक थोड़ी आधी पीस ली है और आधी ऐसे ही रखी है। दोनों मिक्स कर दें जल्दी मेल्ट हो जाने के लिए। ना इसमें तेल लगता है, ना घी की जरूरत है, ना गैस की जरूरत, कुछ भी जरूरत नहीं है। हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। आधी शक्कर पीसने से जल्दी शक्कर मेल्ट होता हो जाती है और अचार जल्दी बनता है। इसी वजह से आधी वैसे की वैसी रखी है और आधी पीस ली है। इसे अच्छी तरह से मिलना है। पहले नमक में उसको किया था, जब नींबू काटे थे तभी नमक डाला था। मीन्स अभी नमक डालने की जरूरत नहीं है। इस तरह से बहुत बढ़िया अचार बनता है और एक साल तक तो इजीली रहता है। 1.5 साल तक ना उसमें तेल डालने की जरूरत है, ना गैस की जरूरत है, ना धूप में रखने की जरूरत है। रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है। इस तरह से सिर्फ इतना ही करना है कि शक्कर के 2 भाग करने हैं, एक वैसे के वैसे रखना है और दूसरी उसको मिक्सी में कर लेना है। अभी इसमें आपको जैसे भी नमक सॉरी मिर्च चाहिए उसी हिसाब से आप डाल सकते हो। मैं 2-2.5 चम्मच मिर्च डाल लेती हूँ क्योंकि ये नॉर्मली मिर्च है, बहुत तीखी नहीं है। इस तरह से बहुत बढ़िया अचार बनता है और टेस्टी लगता है। जब उपवास होगा तभी भी आप खा सकते हो इसमें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने मिला लिया है। इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अभी इसमें इसको आप डायरेक्ट जार में भी भर सकते हो या नहीं तो स्टील के बर्तन में 1 दिन रख के दूसरे दिन जार में भर के तो भी चलेगा। उसको धूप में रखने की जरूरत नहीं है, ना तेल की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। ये इजीली बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, हमारा नींबू का अचार तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी होता है और इजीली बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाने में। तो आप जरूर बनाइए नींबू का अचार। नींबू का अचार बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।